मर्द के पास इनकार की काबिलियत नहीं होती, यानी कि अगर मर्द को इतना ही फ्री हैंड दे दें उसके, दिस इज नॉट फ्री हैंड, ये औकात बता रहा हूँ खुदा के वास्ते, इसको पहले नो, इसको पहले भी मिस इंटरप्रेट किया गया कि मैं मर्द को खुदा, मैं सुनिए, मैं इस बात को, इस आप अगला अच्छा सवाल कर सकेंगी, मर्द जो चीट करता है बॉन्डिंग में, मैं उसको 2% का भी नहीं कहता, इससे ज्यादा क्या कहूं, यानी कि आप ये कहते हैं कि उसकी तरबियत की जरूरत है, ऑफ कोर्स उसकी तरबियत की जरूरत है, ठीक, राइट, अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो औरत बाहर निकल कर काम करती है उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वकील भी हैं, सहाफी भी हैं, नर्सेस भी हैं, लेबर क्लास भी है, किसान खवातीन भी हैं, तो जो आपकी आइडियल औरत है आप उसे क्या तलकीन करेंगे कि वो प्रेफरेबली घर बैठे या नहीं, घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मुआशरे में अपना नाम और मकाम भी बनाए? बार बार एक सवाल का जवाब मैं अभी कह के बैठा हूँ कि आई वॉन्ट दे शुड बी हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन सोसाइटी, मतलब ये कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी को ये नसीहत करे कि बेटी आप सिर्फ घर बैठो और मजबूरी के बगैर घर से ना निकलो, या फिर वो अपनी बेटी को ये नसीहत करे कि जैसे वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा जाओ एक बड़ा आदमी बनकर दिखाओ, अपना नाम रोशन करो, अपना मकाम बनाओ, अपने मुल्क का नाम रोशन करो, अपनी जाति का नाम रोशन करो। आज देखिए ना, आज इस बहस में हमने अपनी बहुत सी हीरो खातिन का जिक्र ही करने से रह गए हैं, उनके नाम ही हमारे वो पीछे चले गए और ऐसे भोंडे नारे मंजर आम पर आ गए, तो ये बदकिस्मती है। मैं आई एम ऑल विद देम, दे शुड बी everywhere they should be performing duties, but on the basis of merit.